अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन की एक बिल्कुल नई रेसिपी जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होती है। तो इसको घर पर बनाना बहुत ही आसान है और घर पर बैठे ही आप रेस्टोरेंट स्टाइल का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताएँगे, आप हमें बिल्कुल आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल वैसे भी आपकी भी बनकर तैयार होगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 से 5 खीमिर्च और 10 से 15 काजू, जिसको हम रोस्ट कर लेते हैं मीडियम आंच पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा काजू और मिर्च रोस्ट हो गया, तो इसको हम एक मिक्सर में डाल लेंगे। पहले हम मिर्ची को डाल, उसके बाद हम काजू को डाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे बगैर कुछ डाले। तो देखिए यहाँ पे हम इसको चलिए बंद कर देते हैं और इसको पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा काजू और मिर्ची पीस कर बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर 3 मीडियम साइज के। तो अब हम टमाटर को डाल के एक स्मूथ प्यूरी बना लेंगे इसकी। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने इसको पीस दिया है और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ प्यूरी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए हम एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और उसमें डालेंगे छोटा चम्मच जीरा और उसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, जिसको हम इस तरह से चला के हल्का गुलाबी होने तक भुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो गई है। तो इसमें इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। चलिए अब इसको हम अच्छे से भून देंगे एकदम, और इसका कच्चापन एकदम ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे अदरक लहसुन अच्छे से हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और उसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 छोटा चम्मच और 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे जीरा पाउडर और 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे इस तरह से आराम आराम से। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये अच्छे से भून चुका है। इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा है तो हम इसमें 200 ml के करीब पानी डाल लेंगे। तो इसको पानी डाल के एक बार फिर से अच्छे से भून लेंगे, इससे हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा और मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। आप इसको इससे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मसाले को भून लें। तो देखिए यहाँ पे अब हम मसाला मेरा अच्छे से हो चुका था। अब स्टेज पे हम डाल देंगे चिकन। चिकन को भी हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पे करके चला कर भूनते रहेंगे। इसको हर तरफ से इस तरह से भूनना है चला चला के। इसको गैस की फ्लेम मीडियम पर ही रखें। अब साथ में हम डाल देंगे नमक, जिससे वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा चिकन में, और साथ में इसको हम भूनते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें भूनते हुए 5 मिनट हो चुके थे, जो इस तरह से बिल्कुल कलर हो गया है। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे काजू और मिर्ची का टमाटर का पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने मिक्सर के जार को भी पानी से खंगाल कर उसके पानी भी डाल दिया है यहाँ पर। तो चलिए अब इसको भी हम चला के इस तरह से एक बार सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी जब तक ये तेल ना छोड़ दे इसको जब तक भूनना है, बीच बीच में रुक जाए पर इसको चला चला के अच्छे से भून डालना है ताकि मसाला हमारा अच्छे से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे चिकन तेल छोड़ दिया और बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। इसको भूनने में 5 से 7 मिनट लगे थे। देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भून लिया, इसका टमाटर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यहाँ पे चिकन और मसाला तेल छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला 1 छोटा चम्मच और इसको फिर से मिक्स करके भून लेंगे। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। यहाँ पर हमने कप मग वाला कप लिया था जिसमें कॉफ़ी पीते हैं, छोटा चाय वाला नहीं, वो मग वाला कप। उसमें हम 1/2 कप पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए इसको हम इस अच्छे तरह से चला लेंगे और ग्रेवी को आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
पानी थोड़ा कम डालें या फिर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डालें। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए एकदम मीडियम आंच में रख देंगे पकने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको एक बार फिर से चला लेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। वैसे ग्रेवी तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, तो जैसे आप देख सकते हैं। तो इसको हम 2 मिनट के लिए ढककर स्लो आंच पे रख देंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं तेल बिल्कुल ऊपर आ गया। और तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का टेक्सचर लाने के लिए और टेस्ट खुशबू सब उसकी तरह लाने के लिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने रोस्ट कर लिया था और उसको क्रश करके रख दिया है। तो चलिए अब हम इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर चिकन ग्रेवी रेडी हो गई है। तो आप इसको चाहे नान से सर्व या पराठे से या फिर रोटी से, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल यकीन नहीं होगा आपने इसको घर पर इतने कम सामान में इतने आसानी से रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी ट्राई करें और आपकी रेसिपी कैसी बनी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।